आज का हमारा टॉपिक है, बल्कि चैप्टर है ट्रांसपोर्ट, और चैप्टर नंबर ये 9 है और इसका लेक्चर नंबर 1 है। ट्रांसपोर्ट बेसिकली जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, इनको बहुत से मटेरियल ऐसे होते हैं जो इन्होंने एक सेल से दूसरे सेल की तरफ लेके जाने होते हैं, कुछ अपने इन्वायरमेंट से लेने होते हैं, कुछ इन्होंने इन्वायरमेंट में डिस्पोज ऑफ करने होते हैं। उस सारे काम के लिए, मटेरियल्स के लिए ट्रांसपोर्ट का एक मेथड यूज किया जाता है। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसमें यही है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का एक यूनिट हैं, प्रोडक्ट हैं। तो अपने मेटाबॉलिज्म को रन करते हैं, सब मटेरियल जो हैं वो इन्वायरमेंट से लेते हैं, कुछ इन्वायरमेंट में डिस्पोज ऑफ करते हैं। इस पर्पज़ के लिए इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ सेल्स चाहिए, कुछ एक प्रॉपर चैनल चाहिए होता है। तो जो सिंपलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो वाया डिफ्यूजन और सिंपल इस मेथड से अपने जो मटेरियल है उसको डिस्पोज ऑफ भी कर लेते हैं और ले भी लेते हैं। तो बाकी जो कॉम्प्लेक्स हैं उनको एक कम्प्रीहेंसिव सिस्टम चाहिए होता है ट्रांसपोर्ट करने का मटेरियल्स को। तो इसके लिए प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं ये दोनों काफ़ी ऑर्गेनाइज हैं। जो ट्रांसपोर्ट है प्लांट्स में वो कैसे होती है वो देखेंगे कि वाटर जो है वाइटल रोल प्ले करता है प्लांट की लाइफ में। इट इज़ नेसेसरी नॉट जस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड टर्गर बट मच ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज अकरिंग इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस, ये सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए पानी ज़रूरी नहीं होता, ना ही टर्गर प्रेशर को कायम रखने के लिए, बल्कि और भी बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो सिर्फ पानी की मौजूदगी में होती हैं, मतलब लिक्विड जो नेचर है उसमें हो रही होती हैं। तो इंटरनल जो टेम्परेचर है उसको भी कायम रखने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। जो लैंड प्लांट्स हैं ज़मीन पर रहने वाले, ये वाटर और मिनरल्स जो हैं ये अपने सॉयल से ले लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के थ्रू वाटर को और मिनरल्स को, और फिर इनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं बॉडी के जो एरियल पार्ट्स हैं उनमें, जो ऊपर वाले हिस्से हैं उनमें। जो फूड है जब मैन्युफैक्चर करते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू लीव्स में जब प्रोड्यूस होती है, तो फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है अदर पार्ट्स में बॉडी के, यूटिलाइज करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए। जो लैंड प्लांट्स हैं सारे के सारे एक्सेप्ट मोसिस और लीवरवर्ट्स, इन्होंने अपने जो कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं इनको डेवलप कर लिया हुआ है, जिनको हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, जिसके थ्रू पानी और जो खुराक है फूड है वो पूरी बॉडी में ट्रेवल करती है। ये हमारे पास दो डायग्राम्स हैं, एक जाइलम वेसल्स की है, दूसरी फ्लोएम वेसल्स की। जो जाइलम वेसल्स हैं ये वन वे वेसल्स होती हैं, वाटर और मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट करती हैं, इनमें कोई एंड वॉल्व नहीं होते, थिक वॉल्व होती हैं स्टिफन विद लेगनेन। जो फ्लोएम है ये टू वे होती हैं, वाटर एंड फूड होता है इनमें, सेल्स हैव वॉल्व विद परफोरेशंस का मतलब इनमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। वाटर और आयन की अपटेक, जो प्लांट हैं इनकी जो रूट्स होती हैं ये सिर्फ प्लांट्स को ज़मीन में एंकर करने के लिए यूज़ नहीं होती, बल्कि ये कुछ वाइटल रोल परफॉर्म करती हैं। इसमें पहला जो रोल है वो ये है कि ये वाटर और सॉल्ट्स को सॉयल से एब्जॉर्ब करती हैं प्लांट के लिए, और सेकेंड क्या है कि दे प्रोवाइड कंडक्टिंग टिश्यूज फॉर डिस्टर्बिंग दीज सब्सटेंसेज टू टिश्यूज ऑफ स्टेम। उसके बाद कंडक्टिंग टिश्यूज मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, ये ऑफ रूट्स आर ग्रुप्ड इन द सेंटर टू फॉर्म द रॉड शेप पोर। दिस रॉड एग्जर्ट्स थ्रू द लेंथ ऑफ रूट और आउटसाइड कंडक्टिंग टिश्यूज देयर इज अ नैरो लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स, उसको हम कहते हैं पेरिसाइकल। एंडोडर्मस क्या होती है, सिंगल लेयर है सेल्स की जिसको हम एंडोडर्मस कहते हैं, और ये एंडोडर्मस पेरिसाइकल को सराउंड करती है। इसके बाहर एक ब्रॉड एरिया है जिसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है ये कंसिस्ट करता है लार्ज एंड थिन वॉल्व सेल्स को। कॉर्टेक्स इज बाउंडेड बाय आउटसाइड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल्स। रूट्स हैव डस्टर्स ऑफ टाइनी रूट हेयर्स व्हिच आर एक्चुअली द एक्सटेंशंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स। ये हमारे पास मॉर्फोलॉजी है रूट्स की। सबसे अंदर है हमारे पास फ्लोएम और जाइलम, उसके बाद पेरिसाइकल है, पेरिसाइकल के बाद एंडोडर्मस है, एंडोडर्मस के बाद है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, फिर एक ब्रॉड एरिया मतलब कॉर्टेक्स आ गया, और उसके बाद एपिडर्मस। रूट हेयर्स की बात करते हैं, रूट हेयर्स क्या है, ये टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ठीक रूट्स हैं उनके साथ। ये लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करती हैं। दे ग्रो आउट इनटू द स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स
वेयर दे आर इनडायरेक्ट विद कॉन्टेक्ट विद वाटर। जो साइटोप्लाज्म है रूट हेयर्स का हैज लार्जर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स देन सॉइल वाटर। सो वाटर मूव्स बाय ऑस्मोसिस इनटू रूट हेयर्स। जो सॉल्ट्स हैं ये भी रूट हेयर्स के थ्रू ही आती हैं प्लांट बॉडी में वाया डिफ्यूजन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आफ्टर द एंट्री इनटू रूट हेयर्स वाटर और सॉल्ट्स जो हैं ये ट्रेवल करते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू सेल्स में, प्रॉपर चैनल्स बने होते हैं जिसमें प्लाज्मोडेस्माटा भी होता है, और रीच करते हैं जाइलम टिश्यूज को। जब ये एक दफ़ा जाइलम में पहुंच जाते हैं तो फिर पानी और सॉल्ट्स जो हैं ये बाकी प्लांट के जो एरियल पार्ट्स हैं उन तक भी पहुंच जाते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है जिसमें रूट हेयर्स और रूट दिखाई, सब ये लेटरल मतलब प्राइमरी रूट है, सबसे पहले वाली लंबी रूट जो आ रही है। उसके बाद जो उसमें से रूट्स की ब्रांचेस निकलेंगी उनको हम लेटरल रूट्स कहेंगे, और ये जो हेयर लाइक टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं इनको रूट हेयर्स, सबसे नीचे रूट कैप और उसके बाद रूट टिप।